सो भाई लोग कैसे हो। आई होप कि सारे के सारे मजे में होंगे। केजीएफ फैंस, पुष्पा फैंस, सलार फैंस, प्रभास फैंस, रॉकी भाई फैंस, अल्लू अर्जुन फैंस, क्या कर रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, मेरे को दो तीन लोगों ने मैसेज करके बोला, एक बंदे ने बोला, दो तीन मतलब बंदे ने मेरे को बोला। अभी देखो, पुष्पा बाबू हमारे चंदन का बिजनेस कर रहे हैं, अब वो दरिया से चंदन का बिजनेस करेंगे चाइना में। तो हो सकता है कि भाई हमारे रॉकी भाई को अरब सागर में से है ना पुष्पा बाबू बचा के लेके जाए। वाह भाई वाह, क्या जबरदस्त बात की है। उस बात बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई प्रभास बचाएंगे ना सलार वाले रॉकी भाई को। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई रॉकी भाई मरा ही नहीं है, होगा क्या होगा क्या। अभी देखो सिंपल सी यही बात है कि क्या भाई सलार के अंदर केजीएफ चैप्टर 2 या फिर केजीएफ चैप्टर 3 या केजीएफ चैप्टर 3 या सलार से ये सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्ट होने वाले। देखो सबसे पहले तो यार बात इस बात को समझना जरूरी है कि होने वाले तो कैसे होने वाले। अभी देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, केजीएफ चैप्टर 2 अगर आपने देखे तो उसमें एक जो लड़का होता है, वो जो लड़का होता है मुस्लिम लड़का, उसको रॉकी भाई खुद ट्रेनिंग देते हैं और रॉकी भाई पे जान लुटाने के लिए तैयार है। बट वहां पर जब उस लड़के को अधीरा मारता है तो भाई उसकी लाश को हमको दिखाया नहीं जाता है। अभी तो यही कंफर्म नहीं हो लड़का मरा है या जिंदा है। अगर वही प्रभास है, वही सलार है, तो डेफिनेटली भाई यस, ये बंदा रॉकी भाई को बचाएगा। एंड रॉकी भाई को बचाने के बाद मतलब कांडी कांड करेगा केजीएफ चैप्टर 3 में। हो सकता है प्रभास ही आफ्टर सलार, आफ्टर सलार की बात कर रहा हूं मैं, आफ्टर सलार केजीएफ चैप्टर 3 में एक स्पेशल रोल प्रभास का होगा जो कि रॉकी भाई को वहां से बचाएगा। ये हो सकता है, अगर ये हुआ तो भाई तबाही मचेगी, बहुत ही बड़ी तबाही मचेगी। अभी देखो एक और चीज है ना इसके अंदर, देखो केजीएफ सलार के सलार 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 केजीएफ सलार का अगर आपने देखा हो, मैंने सलार का कुछ इंटरव्यूज देखे थे, और प्रसाद नील से पूछा जाता है कि भाई सलार का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर सलार का हिंदी में अर्थ क्या होता है, फिर सलार का हिंदी में मीनिंग क्या होता है, तो वहां पर आई मीन प्रभास ने कुछ ऐसा बोला था कि भाई सलार का मतलब होता है एक योद्धा एंड लोगों को बचाने वाला, है ना, लोगों को बचाने वाला, लोगों का मतलब एक बोलते ना लोगों का मसीहा, लोगों की मदद करने वाला। अब देखो सलार भाई ये हो सकता है लोगों की मदद करने वाला, तो अब आफ्टर केजीएफ, आफ्टर केजीएफ चैप्टर 2, आफ्टर रॉकी भाई डेट, अब वहां पे जो लोग हैं वो किसके भरोसे जिएंगे। अब वो वहां पर जो लोग जो बचे हुए, हो सकता है वही चीज को सलार आगे लेके जाए, आई मीन प्रभास आगे लेके जाए। भाई देखो यार ये कुछ भी है, ये कुछ भी है, जिस तरह से केजीएफ के मेकर्स ने लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन घुसाया है, ये खतरनाक कंफ्यूजन घुसाया है, इसका फायदा सलार को बहुत ज्यादा होने वाला है। एंड केजीएफ चैप्टर 3 के लिए तो लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे। अच्छा देखो सलार के अंदर मुझे नहीं लगता सलार के अंदर केजीएफ चैप्टर 3 का कोई पार्ट यूज करेंगे ये लोग, मुझे नहीं लगता सलार के अंदर केजीएफ चैप्टर 3 का कोई पार्ट नहीं होगा। मुझे लगता है कि भाई यस हो सकता है कि भाई सलार के अंदर हमको बताया जाए कि भाई रॉकी भाई को जिसने बनाया है वही वही है ना प्रभास है, वही सलार है, इस चीज को आगे बढ़ाया जाए ताकि सलार को और बूस्ट मिले, लाइक केजीएफ चैप्टर 2 लोग केजीएफ चैप्टर 2 की तरह सलार को भी सपोर्ट करे। एंड अगर वो चीज सलार के अंदर हुई, रॉकी भाई का थोड़ा सा भी इंट्रोडक्शन अंदर कराया गया, या फिर रॉकी भाई थोड़ा सा भी एनिमेशन यूज किया है लोग ने सलार के अंदर, तो भाई ये सलार को तो आप मतलब भूल ही जाओ, केजीएफ चैप्टर 2 से भी आगे निकल सकती है फिर वो, क्योंकि भाई प्रभास का भी एक अलग ही स्टारडम है, प्रभास का एक अलग स्टारडम, प्रभास नंबर 1 पैन इंडिया सुपरस्टार बाहुबली के बाद, भले ही दो मूवी फ्लॉप हुई है, बट एक बात आपको जानना जरूरी है, बिकॉज केजीएफ चैप्टर 2 के बाद अब देखो यार प्रशांत नील की जो भी मूवी आएगी ना वो चलेगी नहीं, वो दौड़ेगी लाइक एसएस राजामौली सर, वो मूवी सिर्फ प्रशांत नील के नाम पे चलेगी। एंड भाई मुझे लग रहा है कि भाई जिस तरह से लोगों के दिमाग में सलार एंड केजीएफ चैप्टर 2 घुसाया है, और जिस तरह से लोगों के दिमाग में सलार वर्सेस केजीएफ चैप्टर 3 घुसाया है, लोग केजीएफ चैप्टर 2 की तरह इस मूवी को सपोर्ट करने के लिए भाग भाग के थिएटर के अंदर जाएंगे। आपको यही चीज, यही क्रेज, यही फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाला क्रेज, यही फर्स्ट डे में फर्स्ट शो हाउसफुल वाला क्रेज सलार के अंदर देखने को मिलेगा। आप लिख के रख लो यार, लिख के रख लो आप लोग। बट मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, ये जो सलार से जबरदस्त ज्यादा मजा केजीएफ चैप्टर 3 में आएगा, अगर हम जो सोच रहे, आप जो सोच रहे हो, सारे के सारा जो यूनिवर्स जो सोच रहा है, जो कि यूनिवर्स तैयार कर रहे हैं प्रशांत नील, वो अगर सही है तो केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी भाई को बचाने वाला सिर्फ और सिर्फ प्रभास होगा, आई मीन सलार होगा। अगर ऐसा हुआ तो केजीएफ चैप्टर 3 में प्रभास विशेष रॉकी भाई दोनों के दोनों क्या मचांड करेंगे, क्या तबाही मचाएंगे, आप सोच ही सकते हो। एनीवेज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय। एंड बताओ मेरे को यार, बताओ प्लीज यार, दोनों के दोनों साथ में प्रभास एक तरफ से, रॉकी भाई, रॉकी भाई का स्टारडम आज के टाइम पे तो ऐसा लग रहा है कि भाई प्रभास से भी ज्यादा हो चुका है। बट प्रभास का जो स्टारडम है वो बहुत ही खतरनाक है, वो दिख नहीं रहा है, बिकॉज देखो ना यार, दो मूवी फ्लॉप दिए राधे श्याम एंड साहो, उसके बाद कुछ ना कुछ फैन फॉलोइंग में तो यार आया होगा ना प्रॉब्लम। लाइक आप बात करो ना, सारे के सारे सोच रहे हैं अरे भाई अब तो प्रभास की मूवी आएगी ना, तो पहले रिव्यूज देखेंगे, पहले रिएक्शन देखेंगे, पहले लोगों को पूछेंगे ये हमको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, हम देखेंगे तो हमारा पैसा वसूल और टाइम वसूल होगा नहीं होगा, ये सारे के सारे चीज को देखने के बाद लोग डिसाइड करेंगे प्रभास की मूवी के साथ के भाई हमको देखनी नहीं देखनी है। बट यहां पर सलार की बात करूं तो भाई सलार मूवी इस तरह से होगी कि भाई सलार के अंदर लोग वेट नहीं करेंगे, लोग रिव्यूज का वेट नहीं करेंगे, बिकॉज़ यार केजीएफ का डायरेक्टर के ऊपर हमको तो यार
जमीन मतलब आसमान तक का भरोसा है। तो भाई सलार तो चलेगी चलेगी, उसके बाद केजीएफ चैप्टर 3 के अंदर अगर प्रभास की भी एंट्री करा देंगे तो भाई दो पैन इंडिया सुपरस्टार दोनों के दोनों एक साथ, अब बॉलीवुड की चड्डी क्या बॉलीवुड का सब कुछ गीला हो जाएगा। मुझे लगता है बॉलीवुड हक भी देगा, कसम से हक भी देगा, बिकॉज यार ये जो चीज इतना तबाही मचा सकती है ना वो आप सोच भी नहीं सकते यार, कसम से नहीं सोच सकते। ऐसा ऐसे रिकॉर्ड बना के देगी ना भाई खत्म हो जाएगा, बॉक्स ऑफिस खत्म हो जाएगा भाई, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाएगा जो कभी बने ही नहीं होंगे, सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। कुछ भी हो यार, फर्स्ट डे फर्स्ट शो का रिकॉर्ड हो, पहले दिन का रिकॉर्ड हो, दूसरे दिन का रिकॉर्ड हो, वर्ल्ड मतलब लाइफ टाइम का रिकॉर्ड हो, या केजीएफ चैप्टर 2 का फर्स्ट डे का जो सबसे ज्यादा कलेक्शन निकल के आया था अभी नंबर 1 पे, वो भी टूट जाएगा। केजीएफ चैप्टर 2 का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा, केजीएफ चैप्टर 3 ऐसा मतलब ऐसा कुछ कर दिया तो। यार मैं तो सोच रहा हूं अगर सलार के अंदर भी केजीएफ की मतलब सलार के अंदर भी रॉकी बाई की एंट्री करा देना तो भी सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, बिकॉज यार रॉकी बाई का 1 मिनट का रोल देखने के लिए भी पब्लिक भाग भाग के लिए जाएगी थिएटर के अंदर, मतलब कुछ भी हो सकता है। एनीवेज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।